अब खेसारी जी, खेसारी मेरे एक भाई जो आप सब बहुत प्यार करते हैं, हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं, हमारे सबके चहेते हैं वो, उनको अभी अगर गाना गाना होगा तो वो क्या गाएंगे? अरे लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर से बाहर ही ना जाएंगे। लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर से बाहर ही ना जाएंगे। नून रोटी खाएंगे, कोरोनावा को हराएंगे। नून रोटी खाएंगे, घर से बाहर ही ना जाएंगे। ये हमारे खेसारी भाई को गाना होगा तो वो गाएंगे कि मिलल बाटे जिंदगी तो खाइल है जरूरी, खाइल है जरूरी तो कमाइल है जरूरी, और कमाए के खातिर कहीं जाइल है जरूरी, तीनों जरूरी से जरूरी एगो अउरी है, जवन है घर परिवार हो। अपने घर परिवार के ध्यान रखें, आसपास के ध्यान रखें, और ऐसे ही आशीर्वाद प्यार आप लोग बनुले रहें। हम कोशिश करब कि आप लोग से हमेशा ऐसे ही जुड़ल रहें, चाहे फेसबुक से, इंस्टा से, यूट्यूब से, फिल्म के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जब जब मौका मिली हम आप लोग से ऐसे ही मुलाकात करत रहब, बात करत रहब, और माइकल अनीश छलिया जी कह रहे हैं कि भैया जी कोरोना पर बचत के लिए कोई गाना सुनाइए। कोरोना से बचे खातिर ये समय सबसे बढ़िया गाना हमके दो तीन गो गायक लोग के लागेला, जैसे हमार पवन भैया हुए, पवन सिंह जी, उनकर गाना जो अनबा बहुत हिट गाना तू लगावे लू जब लिपस्टिक, पूरा दुनिया में सुपर हिट भइल बा गाना, और लोग सब लोग एके बजावेला सुनेला। तो हम सोची ले आज के समय में कि कोरोना में लॉकडाउन बा, हमने घरे में बैठल बानी यार, तो अगर पवन भाई के अपने मेहरारू के कहे के हुई तो वो का कहें, ये कहें कि तू लगावे लू सैनिटाइजर, सुनाए हमारे एडवाइजर, तजिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, एक मीटर दूरे रहेलू जब जिला टॉप लागेलू। ई तो हमके लागत आ, अब कई लोग गाना के फरमाइश कर देले बाद हम सोचते नहीं कि कई गो गाना एक के साथे सुना दी। अब अगर सोचा लोग थोड़ी देर खातिर, ये तो पवन भाई क्या, अब रवि किशन भैया के अगर आज के समय में मतलब अपने मेहरारू के यानी हमनी के भौजी के कहे के हुई, अगर उबहरे निकली हैं तो उनसे उका कहें आज के डेट में, ये कहें नजर कोरोनावा के लग जाई, नजर कोरोनावा के लग जाई, एही हुस्न के कोठी में एगो मास्क और एगो सैनिटाइजर लटका लह चोटी में। दोनों लोग के लागत है ये कहें ना। और अगर हमारे अख्तर सिद्दीकी भाई कह रहे हैं कि लॉकडाउन पे मूवी बनाइए, ज़रूर बनाएंगे, और लॉकडाउन पे कई सारी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनेगी, लोगों के दुख दर्द को, परेशानियों को, उनके जज्बे को, उनके जुनून को प्रेजेंट करने के लिए इससे अच्छी कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। तो किस तरह से हम लोग लड़े, कैसे जीते, और किस तरह से इस मुसीबत में हम फंसे, क्या क्या चीज़ें हुई, उस पर बहुत सारी स्क्रिप्ट बन रही है। मैं बहुत जल्दी इस पर ज़रूर फिल्म बनाऊँगा अख्तर भाई, 100% मैं आपके इस सुझाव पर ज़रूर विचार करूँगा। अमित कुमार जी कह रहे हैं आप कहाँ हैं, मैं मुंबई में हूँ भैया। कुमार शंकर, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। कैलाश बाबू कह रहे हैं आप कैसे, मैं एकदम ठीक हूँ। लक्ष्मी जी भोजपुरी में गाना सुनना चाह रहे हैं,
बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। किरण मंडल को हमसे मिलना है, बहुत जल्दी मिलेंगे, आप सब से मिलेंगे। और बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारे मेरे भाई बहन जुड़ गए हैं, सबको प्रणाम है, सबको धन्यवाद है कि आप लोग जो है जुड़े हैं। हमारे एक फारस कुरैशी जी हैं, हेलो हेलो भैया, राहुल कुमार हैं भैया, शिव सागर पासवान जी हैं, प्रणाम। हमारे प्रिय भरत प्रेम जी हैं, पूछ रहे हैं भाजपा में अभी भी हैं कि छोड़ दिए? क्यों छोड़ देंगे भैया, भाजपा है कि देश सुरक्षित है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं जब तक जीवित हूँ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। जब जीवित नहीं रहूँगा तो फिर उसकी गारंटी नहीं है। सूरज पल भैया, यू आर गुड लुकिंग, थैंक यू भैया। बस यही है अपना तो गमछा ही है, चाहे लुक अच्छा बुरा जो भी है यही है। सूरज पाल जी भैया थैंक यू, कन्हैया यादव थैंक यू भैया, लक्ष्मी शंकर आप बाबा हैं, बाबा बाबा, अरे बाबा, हर हर महादेव। बाबा रवि भैया हैं, रवि किशन भैया को हम लोग बाबा कहते हैं, हर हर महादेव बाबा। और अब कई लोग गाने की बात कर रहे हैं कि गाना सुनाइए गाना सुनाइए, तो पवन जी का हो गया, रवि भैया का हो गया, अब खेसारी जी, खेसारी मेरे एक भाई जो आप सब बहुत प्यार करते हैं, हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं, हमारे सबके चहेते हैं वो, उनको अभी अगर गाना गाना होगा तो वो क्या गाएंगे? अरे लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर से बाहर ही ना जाएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर से बाहर ही ना जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को हराएंगे, नून रोटी खाएंगे, घर से बाहर ही ना जाएंगे। ये हमारे खेसारी भाई को गाना होगा तो वो गाएंगे।